इंडियाटॉप न्यूज में आपका स्वागत है। कार्यक्रम स्थान मनियर सिनेमा हॉल पर मुख्य अतिथि प्रशांत राय जी, प्रांत मंत्री गोरज प्रांत, विशिष्ट अतिथि आलोक सिंह जी, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बलिया, विशिष्ट अतिथि अभिनव सिंह चंचल जी, पूर्व इकाई मंत्री टीडी कॉलेज बलिया। सबसे पहले माँ सरस्वती तथा विवेकानंद जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंच संचालन नगर मंत्री शुभम प्रताप सिंह ने किया। सन 2020-2021 की नवीन कार्यकारिणी इस प्रकार है। नगर अध्यक्ष श्री कंचन आनंद जी, नगर मंत्री शुभम प्रताप सिंह जी, नगर सहमंत्री रॉय सिंह, नगर सहमंत्री धीरज पांडे, नगर सहमंत्री राहुल तिवारी, नगर सहमंत्री अमन सिंह, कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश पटेल, कार्यकारिणी सदस्य राकेश राजभर, कार्यकारिणी सदस्य अविनाश कुमार गोंड, कार्यकारिणी सदस्य अंकित जी, कार्यकारिणी सदस्य अविनाश कुमार, नगर SFS प्रमुख अभय नारायण सिंह, नगर SFS प्रमुख हर्षवर्धन यादव, नगर SFD प्रमुख राजेश सिंह, नगर SFD प्रमुख विशेष सिंह, सोशल मीडिया प्रमुख राकेश पटेल, आंदोलन प्रमुख विनय सिंह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन होता है और ये तय होता है कि अब हम कॉलेज कैंपस को अपना कार्य क्षेत्र चुनेंगे और कॉलेज कैंपस में और स्कूल में जाकर विद्यार्थियों के निर्माण करके हम देश के निर्माण की ओर आगे बढ़ेंगे। और 1949 से विद्यार्थी परिषद निरंतर यात्रा शुरू करती है और विद्यार्थी परिषद की यात्रा यही होती है कि आप और हम विद्यार्थी तो हैं, सत्य है कि हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो विद्यार्थी हैं, लेकिन हम सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं रहे, एक विद्यार्थी को एक आदर्श विद्यार्थी की यात्रा जो है वो विद्यार्थी परिषद कराती है। आपकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी, आपको कर्मशील, आपको ज्ञानशील, आपको विवेकशील कैसे बनाए विद्यार्थी परिषद, ये विद्यार्थी परिषद तय करती है। हम सब एक विद्यार्थी होकर केवल स्वार्थ के बारे में सोचते रहे, केवल अपना घर परिवार और नौकरी के बारे में सोचते रहे तो निश्चित रूप से इस देश का भला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम इस देश के बारे में नहीं सोच सकते तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता। इसलिए विद्यार्थियों के जागरण के लिए विद्यार्थी परिषद गठन हुआ और उसके बाद परिणाम मिलना शुरू हुआ। 1975 में जब इस देश में तानाशाही एक सरकार हुई और विद्यार्थियों पर तानाशाही रवैया अपनाई गई, सरकार के संवैधानिक संस्थाओं पर तानाशाही रवैया अपनाई गई, तो विद्यार्थी परिषद ने अपना आंदोलन शुरू किया और गुजरात के छोटे से कैंटीन से शुरू हुआ आंदोलन पटना आया और पटना के गांधी मैदान से होते हुए देश के दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचा। और उस समय देश की सरकार ने उस आंदोलन के दबाव में देश में इमरजेंसी लागू करना पड़ा और इस इमरजेंसी लागू दमनकारी नीति लागू करनी पड़ी और उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने लड़ा और देश में पहली बार, गुरु जी हम कह सकते हैं कि 25 साल देश आजादी के बाद 25 वर्षों के बाद पहली बार कोई दूसरी पार्टी के यहाँ पर सरकार बनी थी, वो भी विद्यार्थी परिषद के योगदान से। आप लोगों ने सुना होगा 1975 में JP आंदोलन, वैसे ही विद्यार्थी परिषद का हमेशा विजन रहा है। देश में हम लोग हमेशा अन्य संगठन को देखे होंगे जो आपके सामने समस्याओं को लेकर आते होंगे कि देश में ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या है, लेकिन विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो समस्याओं के साथ साथ एक समाधान का प्रारूप भी पेश करती है, ये विद्यार्थी परिषद है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हमारी सुधार शिक्षा में जब तक हम सुधार नहीं कर सकते तब तक भारतीय विद्यार्थी बात है ही, उससे भी बड़ी गौरव की बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी अनुशासित छात्र संगठन है जो अनुशासन में अपने को बांध कर कैसे काम करना है, कैसे विद्यार्थियों को निर्माण करके इस देश का निर्माण करना है, ये विद्यार्थी परिषद तय करती है। आज विद्यार्थी परिषद का उम्र लगभग 70 से 71 वर्ष हो गया। 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद का गठन होता है, वो भी विशेष परिस्थितियों में होता है। 9 जुलाई 1949 विद्यार्थी परिषद के गठन के पीछे कारण ये होता है कि देश और भारत माँ जब हमारी गुलामी की बेड़ियों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उस समय देश निराश और हताश था, देश में आज़ादी की लड़ाई अब लड़नी शुरू हो गई थी और उसको एक रफ्तार भी मिल गई थी। उस समय 1925 में एक देश में व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक संगठन का गठन होता है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम इसका तो सुने होंगे आप लोग, RSS। तो RSS के गठन के बाद RSS समाज में काम करता है, समाज सुधार का काम करता है, समाज में नई जागरण आता है, क्योंकि RSS के मन में यह है कि हम अपने व्यक्तियों का निर्माण जब तक नहीं करेंगे और व्यक्तियों का निर्माण हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमको अगर कोई आज़ादी भी मिल जाएगी तो आज़ादी लंबे समय तक नहीं टिक सकती, इसलिए हमको हमारे देश के व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को आत्मबल से मजबूत बनाकर रखना है, इसलिए व्यक्ति निर्माण के कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग लग गए। लेकिन किसी कारणवश देश की आज़ादी के एक वर्ष बाद ही भारत माता को
भारत माता की सीने पर बंटवारे की लकीर लिख दी गई। देश दो हिस्सों में बट गया। उसी बंटवारे के क्रम में देश में व्यापक हिंसा हुई और किसी तत्व द्वारा उस समय देश के पूजनीय महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद ये आरोप लगता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग ही नहीं गांधी जी की हत्या की है, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय और उस समय देश की सरकार ने इसको बरी कर दिया, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उसमें कोई हाथ नहीं था। तो इसको आरोप लगाकर उस समय 1948 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध लग जाता है कि आप अब समाज में काम नहीं कर सकते हैं, आप प्रतिबंधित संगठन हैं। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उस समय के पदाधिकारियों ने यह सोचा कि अब तो हम समाज में काम नहीं कर सकते, अब हम कैसे समाज को जागरण करेंगे, कैसे व्यक्ति निर्माण करेंगे और कैसे देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत माता का भव्य दर्शन कराएंगे, जिससे भारत माता को परम वैभव को ले जाने का हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। उस समय कुछ एक शिक्षक होते थे गुजरात से, जिनका नाम यशवंत राव केलकर था, शायद हमको स्मरण है कि गुजरात से ही आते थे वो। और यशवंत राव केलकर ने 6 विद्यार्थियों के साथ, एक शिक्षक और 6 विद्यार्थियों के साथ 9 जुलाई को तानाशाही रवैया अपनाई गई। तो विद्यार्थी परिषद ने अपना आंदोलन शुरू किया और गुजरात के छोटे से कैंटीन से शुरू हुआ आंदोलन पटना आया और पटना के गांधी मैदान से होते हुए देश के दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचा। और उस समय देश की सरकार ने उस दबाव में, उस आंदोलन के दबाव में देश में इमरजेंसी लागू करना पड़ा और इस इमरजेंसी लागू दमनकारी नीति लागू करनी पड़ी और उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने लड़ा। और देश में पहली बार, गुरु जी हम कह सकते हैं कि 25 साल देश आजादी के बाद, 25 वर्षों के बाद पहली बार कोई दूसरी पार्टी के यहाँ पर सरकार बनी थी, वो भी विद्यार्थी परिषद के योगदान से। आप लोगों ने सुना होगा 1975 में जेपी आंदोलन। वैसे ही विद्यार्थी परिषद का हमेशा विजन रहा है देश में। हम लोग हमेशा अन्य संगठन को देखे होंगे जो आपके सामने समस्याओं को लेकर आते होंगे कि देश में ये समस्या है, वो समस्या है, ये समस्या है, लेकिन विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो समस्याओं के साथ साथ एक समाधान का प्रारूप भी पेश करती है, ये विद्यार्थी परिषद है। विद्यार्थी परिषद ने कहा कि हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हमारी सुधार शिक्षा में, जब तक हम सुधार नहीं कर सकते तब तक भारतीय विद्यार्थियों का हम लोग मानसिकता नहीं बदल सकते। हमारी शिक्षा क्या थी, हम गुरुकुल परंपरा से आते थे। हमारी शिक्षा क्या थी, हम ऋषियों मुनि से पढ़ते थे। हमारी गुरुकुल परंपरा एक आदर्श परंपरा हुआ करती थी, जिससे विश्व को हम लोग अनेकों दशमलव से लेकर खगोल शास्त्र का ज्ञान हम लोगों ने दिया था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, मैकाले के आने के बाद हमारी शिक्षा पद्धति में जो कॉन्वेंट परंपरा आई, निश्चित रूप से हमारे जनमानस को और हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके लिए लगातार विद्यार्थी परिषद लड़ाई लड़ी और नई शिक्षा नीति की बात करती रही। और मैं गर्व से कह सकता हूं, आपके बीच कह सकता हूं कि जिस दिन पहली बार मैं इस नगर इकाई में बैठक करने आया था और बैठक कर रहा था, उसी समय में मेरे मोबाइल के माध्यम से मुझे समाचार मिला कि विद्यार्थी परिषद का जो 70 वर्षों से लगातार चली आ रही मांग को भारत सरकार ने माना है और नई शिक्षा नीति इसी अगस्त महीने में लागू हुई थी। आप सबको याद होगा, नई शिक्षा नीति आ गई है, उसको संसद भवन में चली आएगी, कैबिनेट ने उसको पारित कर दिया। तो नई शिक्षा नीति, क्योंकि हम लोग पुरानी शिक्षा में पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं कि अकबर महान, बीरबल महान, ये हुआ औरंगजेब, शाहजहां, इसी में उलझाए रखते थे। क्या मतलब है, वो आक्रांता थे, हमारे ऊपर आक्रमण किए हैं, हमारे संस्कृतियों को नष्ट किया है, हमारे धन संपदा लूटे हैं, हमारे माताओं बहनों के साथ उन्होंने क्रूरता की है। ऐसे लोगों का इतिहास पढ़े, ऐसे लोगों को हम लोग गौरवशाली बताया गया था। हम लोग ऐसे लोगों पर गर्व करें, दिल्ली की लगातार हर सड़कों को अकबर और शाहजहां और औरंगजेब के नाम पर सड़कों को लगाया जाता था। इसका हम लोगों ने विरोध किया और उसका नतीजा हुआ कि देश में पहली बार नई शिक्षा नीति, दूसरी बार आई है नई शिक्षा नीति, जिसमें व्यापक बदलाव हुए हैं और विद्यार्थियों को एक व्यापक बदलाव के तौर पर गुजारा गया है। आप लोगों ने अन्य देशों की शिक्षा नीति पढ़ी होगी, अन्य देशों में भी प्रैक्टिकल शिक्षा यानी प्रायोगिक शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।